दिवाली के बाद मांग बढ़ने और आवक घटने से सोयाबीन की कीमतों में स्थिरता बनी हुई थी। किसानों को सोयाबीन से 8,000 से 9,000 रुपए तक मिलने की उम्मीद थी। हालांकि बाजार में सोयाबीन का आयात और गर्मियों में सोयाबीन का बढ़ा हुआ क्षेत्र मांग गिरने और आयात बढ़ने पर दर को प्रभावित कर सकता है। बाजार के जानकारों का कहना है कि सोयाबीन की कीमत 7,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। साथ ही सोयाबीन के भंडारण को 3 महीने हो चुके हैं, इसलिए अब किसानों ने सोयाबीन धीरे धीरे बेचना शुरू कर दिया है और मंडियों में सोयाबीन की आवकों में इजाफा देखने को मिलने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।